बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, इस वीडियो में हम इस डिस्क अंडरस्कोर यूज़ फंक्शन को देखने वाले हैं। ये जो फंक्शन है हमें रिटर्न करता है हमारी डिस्क का जो ओवरऑल उसमें कितना टोटल स्पेस है, उसमें कितना यूज्ड हुआ है, कितना फ्री है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये फंक्शन देता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मुझे ओवरऑल पता करना है तब मैं यहाँ पे ओनली स्लैश फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे ओनली स्लैश फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैंने इसको यहाँ से रन किया तो आप देख सकते हो जो हमारा डिस्क का पार्टीशंस है वो यहाँ पे टोटल स्पेस यूज्ड कितना है और फ्री कितना है वो सब दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ड्राइव का पता करना है यानी किसी पर्टिकुलर पार्टीशंस का पता करना है तो हमें यहाँ पर उसका पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ था, अब मैं इसको यहाँ से अनकमेंट करके दोबारा से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ओनली सी का बता रहा है कि सी में कितना यूज्ड हुआ है। तो आपको ये सिर्फ पाथ कॉपी करना है, यहाँ से ये सारे पाथ आप कॉपी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर अगर मैं सिंपली यहाँ पर एफ़ लिखूँगा, एफ़ लिखता हूँ तो ये हमें एफ़ ड्राइव की इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा। तो आप देख सकते हो ये हमें एफ़ ड्राइव की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो। हाँ, अगर आप डी को लिखने की ट्राई करोगे तो आपको एक एरर मिलेगा क्योंकि हमारे पास सी डी रोम में कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है मैंने, तो अभी डी के लिए हमें एक एरर दे रहा है। तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।